नमस्कार, मैं माधव शर्मा खुचीपन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बात करते हैं 12 अप्रैल 2021 के पंचांग की। 12 अप्रैल 2021 आज सोमवती अमावस्या और देवकार्य अमावस्या भी है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करके जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, इसे बलवान किया जा सकता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज किए गए दान से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में या कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने का विशेष ही महत्व बताया गया है। आज के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का भी विशेष महत्व है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करके लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। आज के दिन हम सभी को अपने पितरों का तर्पण करके उनसे आशीर्वाद देना चाहिए। माता लक्ष्मी सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं। बच्चा वार सोमवार विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 माह चैत्र माह पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या तिथि जो कि सुबह 8:02 तक रहेगी। नक्षत्र रेवती नक्षत्र जो कि 11:28 तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। योग वैद्यति योग जो कि दोपहर 2:26 तक रहने वाला है, उसके बाद विश्वकुंभ योग लग जाएगा। करण की हम बात करें तो नाग करण जो कि सुबह 8:02 तक रहेगा, उसके बाद किंस्तुकना करण लग जाएगा जो कि रात 9:08 तक रहने वाला है। बात करें सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की, सूर्योदय प्रातः 6:09, सूर्यास्त 6:45, सूर्यदेव मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 6:21, चंद्रास्त की अगर हम बात करें तो शाम को 7:05। चंद्र राशि की हम बात करें तो सुबह 11:30 तक चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद वे मेष राशि में संचरण करेंगे। बात करते हैं शुभ समय और अशुभ समय। सबसे पहले शुभ समय, शुभ समय में हम लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने इष्ट देव की आराधना और उपासना अवश्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:24 तक रहेगा। बात करें अभिजीत की तो अभिजीत 12:02 से 12:52 तक रहने वाला है। किसी भी शुभ कार्य को हम अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं चौबड़िए की। सबसे पहले अमृत का चौबड़िया जो कि शुभ है, सुबह 6:09 से 7:44 तक रहेगा। अमृत के बाद काल का चौबड़िया 7:44 से 9:18 तक रहेगा। काल के बाद शुभ का चौगड़िया 9:18 से 10:53 तक रहने वाला है जो कि शुभ चौगड़िया है। शुभ के बाद रोग का चौगड़िया जो कि अशुभ है 10:53 से और 12:27 तक रहेगा। रोग के बाद उद्वेग का चौगड़िया 12:27 से और दोपहर 2:02 तक रहने वाला है। उद्वेग का चौगड़िया भी अशुभ चौगड़िया है। उद्वेग के बाद चर का चौगड़िया 2:02 से और 3:36 तक रहने वाला है जो कि एक सामान्य चौगड़िया है। चर के बाद लाभ का चौगड़िया जो कि अत्यंत शुभ है 3:37 से और 5:10 तक रहेगा। लाभ के बाद अमृत का चौगड़िया, यह भी शुभ समय है जो कि 5:10 से और 6:45 तक रहने वाला है। बात करते हैं अशुभ समय की। अशुभ समय में सबसे पहले हम बात करते हैं राहुकाल की। राहुकाल सुबह 7:30 से और 9:00 तक राहुकाल रहेगा। गोलिक काल की बात करें तो दोपहर 2:00 से लेकर और 3:30 तक गोलिक काल रहने वाला है। ये दोनों समय अत्यंत ही अशुभ समय हैं। किसी भी शुभ कार्य के अंदर हमें इन समय को टालना चाहिए। बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा, यानी आज के दिन हमें पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी बहुत ही जरूरी है तो हम दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करके आज यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं चंद्रबल, यानी चंद्रमा किन किन राशियों को अपना बल प्रदान कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी राशियां अशुभ हैं। तो वे राशियां हैं वृष मिथुन कन्या तुला मकर और मीन राशि। आइए बात करते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों के नामाक्षर की, यानी आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर क्या होंगे। ची चू चे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। हमारे कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कुछ जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें और जानें डेली पंचांग और डेली राशिफल। धन्यवाद।